हेलो साथियों, आप रुकमणि प्रकाशन का प्लेटफॉर्म जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने जिसमें 22 पार्ट अपलोड कर दिया है, अब आज दोस्तों 23 पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप इस पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों स्टडी के टू गुप्ता पे आप जाके क्लिक करें और दोस्तों उसके प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट किससे बनता है? दोस्तों, पर्यावरण यानी कि वातावरण किससे बनता है? जैविक घटक से, भू आकृति घटक से या फिर अजैविक घटक से? दोस्तों, जैविक घटक किसे कहते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, खास करके सजीव, सजीव होना जरूरी है दोस्तों, जितने भी जीव जंतु सजीव के रूप में है उसे जैविक घटक कहते हैं यानी कि बायोटिक फैक्टर कहते हैं। और दोस्तों, भू आकृति यानी कि एक निश्चित आकार भी होना जरूरी है हमारे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट बनाने के लिए, तो एक आकार भी भूमिका निभाती है। और दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन में है अजैविक घटक। तो दोस्तों, पर्यावरण में जितने भी निर्जीव, सजीव को नहीं, जितने भी निर्जीव वस्तु है उसे अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कहते हैं। तो ये तीनों से मिलके हमारा पर्यावरण बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवाहिनी यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? दोस्तों, अगर सिंपली बोले तो पौधे में पानी ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? अगर पौधे में भोजन पहुंचाने का अगर बात की जाए तो दोस्तों ये फ्लोएम टिश्यू यानी कि फ्लोएम ऊतक का काम होता है, पौधे के विभिन्न अंगों तक भोजन पहुंचाना। और दोस्तों, पानी यानी कि वाटर जो है ये जाइलम टिश्यू के द्वारा ले जाया जाता है पौधे के विभिन्न अंगों तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, यानी कि पौधे का कौन सा भाग फूल बन जाता है? तो दोस्तों, पर्ण जो है यही फूल बन जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर क्या होगा? दोस्तों, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, यानी कि आंसर सी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो आप मेंडल को टिक कीजिएगा। ठीक है, भ्रूण यानी कि इम्ब्रायो किस में मिलता है? तो दोस्तों, भ्रूण की प्राप्ति होती है बीज से। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों, दोमट मिट्टी जो होता है उसमें थोड़ा कुछ मात्रा बालू भी होता है और चिकनापन होता है, और दोस्तों ये पंशु कण नहीं वंशु कण होगा, वंशु कण भी होता है, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है यानी कि प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से, पांसु मिट्टी से, बालुई मिट्टी से या फिर लोम मिट्टी से? दोस्तों, इसे पांसु या वांशु दोनों भी बोल सकते हैं। तो पौधों को सबसे अधिक पानी की मिट्टी आपको प्राप्त होता है बालुई मिट्टी से। दोस्तों, बालुई मतलब सैंडी सॉइल जो होता है ये एक पत्थर का ही एक छोटा टुकड़ा होता है, एक छोटा सा भाग होता है जो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसलिए पानी को जब ऑब्जर्व नहीं करेगा तो पेड़ पौधे को आसानी से पानी और ज़्यादा पानी मिल सकता है, इसलिए आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए नंबर, चिकनी मिट्टी। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर
ऑक्सीसोम। तो दोस्तों, हरे पौधे के पत्तियां जो होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण वो मतलब सूर्य की रोशनी प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन तैयार करता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी नंबर। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। इसलिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? पर्वत, महासागर, वन या फिर रेगिस्तान? तो दोस्तों, सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है आपका महासागर। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बताइए आंसर क्या होगा, आपको पता होगा। दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है, यानी कि 300 से अधिक होती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वयस्क मनुष्य में, इजी क्वेश्चन है पर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? दोस्तों, मैं आपको ये अभी बताया था, हरे पौधे में जो पत्तियां होती है उनमें प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए आंसर ए नंबर हो जाएगा। आलू किसका रूपांतरित रूप है, यानी कि संशोधित रूप है? जड़ का, पत्ती का, फूल का या फिर तना का? तो दोस्तों, आलू जो होता है रूपांतरित होता है तना का, इसलिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। और आलू के अलावा कुछ और भी हम आपको बता रहे हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अदरक, हल्दी, ओल, इसे अरबी भी बोला जाता है, और दोस्तों प्याज, लहसुन, ये इत्यादि जो है तना का ही रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर कुछ और भी क्वेश्चन इसे बनते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, शलजम, शकरकंद, इसके कौन से पार्ट खाए जाते हैं? दोस्तों, ये मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम या शकरकंद, इनमें से कोई भी ऑप्शन में आपको पूछे कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप दोस्तों जड़ टिक करेंगे, यानी कि इसका जड़ पार्ट को खाया जाता है। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो दोस्तों, ये जीव द्रव कुंचन के रूप में आहार अपना ग्रहण करता है। आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अग्नाशय किसे स्रवित करता है? तो दोस्तों, इंसुलिन, पित्त, पाचन सार या फिर लार? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये इंसुलिन को स्रवित करता है, या फिर क्वेश्चन उलट देता है, इंसुलिन स्रवित होता है, ऑप्शन में आपको दे देगा अग्नाशय या फिर कुछ और ऑप्शन देगा, तो अग्नाशय को आप टिक कर लीजिएगा, यानी कि इंसुलिन स्रवित होता है अग्नाशय से। और दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका निर्माण होता है यकृत में, ठीक है। और पित्त जमा कहाँ होता है? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जमा होता है पित्ताशय में। अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप टिक कीजिएगा टाइलिन, यानी कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? कपास, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से? तो दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से।
मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक है? यानी कि किसकी कमी के कारण मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद हो जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों, जब मक्का में जिंक की कमी हो जाएगी तब उनकी पत्तियों का शीर्ष सफेद पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है, जिसे हम लोग संकर बीज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत ऑप्शन को छाटिएगा आप। दोस्तों, एक तरफ रोग का नाम है और दूसरे तरफ औषधि यानी कि दवाई का नाम है। तो ज्वारनाशी के लिए पारासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, सही है। प्रतिफेन कारक के लिए पॉलीएमाइड्स और सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्रतिरोध के लिए एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। दोस्तों, एस्पिरिन जो है दर्द निवारक दवाई है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, सी नंबर। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों, ऑक्सोनोमीटर से वृद्धि दर नापने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो ये भारत के ही वैज्ञानिक हैं, जेसी बोस। इनका फुल फॉर्म होता है जगदीश, यानी कि पूरा नाम होता है जगदीश चंद बोस। तो दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें।